अब बात मध्य प्रदेश की महा डिबेट की, जिसमें आज हम बात करेंगे बजट में क्या खास मिला, किसकी और कितनी पूरी हुई आस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवां बजट पेश किया। उनका 1 घंटे 23 मिनट का यह भाषण सैलरी क्लास के लिए थोड़ी सी राहत लेकर आया। बजट में सबकी नजरें टैक्स पर थी। टैक्स को लेकर लोगों के लिए राहत की खबर है। नई टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुराने टैक्स लैब में भी बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का दावा है कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि बजट सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट है। मोदी 3.0 का प्लान, बजट में बड़े ऐलान। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट। गरीब युवा अन्नदाता, क्या महंगा क्या सस्ता। किसानों की इनकम को लेकर बजट बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2700-2100 के धान और गेहूं के दाम की गारंटी थी, मोदी गारंटी। मध्य प्रदेश को झुंझुना मिला। बजट पे खास कितनी पूरी आस। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। बजट पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी बजट को हर वर्ग के लिए कल्याणकारी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस जनता के साथ धोखा कह रही है। मध्य प्रदेश के लिहाज से भी कांग्रेस इस बजट को सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का आरोप लगा रही है। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। तो एक तरफ बीजेपी बजट को बेस्ट बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो बजट को सिर्फ झुंझुना पकड़ा देने वाला बजट कह रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। सवाल क्या रहेंगे महा डिबेट के, उन सवालों को देख लेते हैं। महा डिबेट में आज पहला सवाल रहेगा, देश का बजट उम्मीदों पर कितना पूरा उतरा है। दूसरा सवाल रहेगा, बीजेपी कह रही है बेस्ट है, कांग्रेस कह रही है कॉपी पेस्ट है, तो उसके मायने क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, 24 का ये बजट कितना फिट है, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को गौर करते हुए सवाल पूछा जाए तो कितना फिट है ये बजट, उस पर भी बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुलरेश शेख जी, वो जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्री जी हैं डॉक्टर मनमिंदर सिंह सलूजा जी, वो भी जुड़ गए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट नीतीश जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट राकेश गोयल जी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। इंतजार हमें कांग्रेस के मेहमान का रहेगा, उम्मीद है जल्दी वो हमें ज्वाइन करेंगे। और आज के इस बजट पर, 24 के इस बजट पर हम बात करेंगे कितना फिट है ये बजट और किसके लिए ये बजट है। सरकार कह रही है कि विकसित भारत का संकल्प है, विपक्ष कांग्रेस कह रहा है कुर्सी बचाओ बजट है। लेकिन पहले मैं आपके पास आ रही हूं यहां डॉक्टर सलूजा, अर्थशास्त्री हैं आप, नब समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, कैसा बजट इसे आप देख रहे हैं? और अगर मैं एक लाइन में जानना चाहूं आपसे कि किसके लिए बजट लाया गया है? ये समग्र बजट है, अगर एक लाइन में आप कहें तो ये सबके लिए बजट है। अगर हम अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो एक बैलेंस बजट है, जहां पर कि फिस्कल मैनेजमेंट भी किया गया है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में सारे एलोकेशंस किए गए हैं। जी जोशी जी, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, ITR फाइल करने के दौरान ये सब कंफ्यूज थे कि कौन सा टैक्स रिजीम चूज करें, इस बार भी वो कंफ्यूजन हमने देखी है। जो ये बदलाव किया गया उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और सैलरी क्लास को क्या बाकी राहत मिली, क्योंकि बड़ी राहत की उम्मीद तो यहाँ पर की जा रही थी। जी अपना बिल्कुल, सैलरी क्लास को जो हमारे आम नागरिक हैं, सैलरी क्लास हैं, उन्हें बड़ी उम्मीद थी बजट से कि कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरी तरह से तो शामिल नहीं किया गया बजट में। लेकिन एक छोटी सी राहत दी गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 50,000 से लिमिट बढ़ा के 75,000 की गई है, और नए टैक्स रिजीम में जो है कि टैक्स के रेट्स में थोड़ी सी कमी की गई है। तो अगर आप इस प्रकार से समझें कि किसी नागरिक की अगर 10 लाख रुपये सालाना सैलरी से आए हैं तो इस साल, आने वाले साल में उसे करीब 12,000 रुपये कम टैक्स भरना पड़ेगा। जोशी जी, आपने क्या देखा इस बजट में कि किस
किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस रखने की कोशिश की गई है, या जो सातवां बजट था ये एफएम का, क्या एक कड़ी में ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है वो आपको, या इस बार नजर आए कि कुछ हल्का सा दिशा परिवर्तन हुआ है? नहीं, देखिए जिस प्रकार से मोदी सरकार का एक विजन है, हमेशा आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सरकार के बजट जो भी हमने देखे हैं एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आते हैं। इस बजट में भी अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए सरकार ने अलोकेट करे हैं। आंध्र प्रदेश को, बिहार को अच्छा पैकेज दिया गया है। इंसेंटिव लिंक एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स सरकार लेकर आई है, जिसमें कि जो हमारे उद्योगपति हैं वो जो भी नए लोगों को रिक्रूट करेंगे, कर्मचारियों को रखेंगे, तो उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार के द्वारा। जी ठीक है, डॉक्टर सलूजा एक और सवाल, उसके बाद मैं आगे और बढ़ती हूँ। जो जिस तरह से यहाँ पर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही गई थी, हम सरकार कह रहे कि हमारा जो सपना है वो विकसित भारत का सपना है, लेकिन विपक्ष की ओर से बार बार ये बात कही जाती है कि बस पिछले बजट को ही कॉपी पेस्ट इस बार भी कर दिया गया है। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से कड़वी दवाई से कहा जा रहा है, कब तक एक कड़वी दवाई हम पीते रहेंगे? नहीं देखिए, कड़ी दवाई नहीं, उन्होंने आप देखिए खेती में रिफॉर्म्स की बात करी है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करी है। कल के आर्थिक सर्वेक्षण ने ये चीज़ कही थी कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, सरकार ने आज बजट में प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब क्रिएट करने के लिए स्कीम्स की बात करी। जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं तो ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज जो रिफॉर्म्स हम करेंगे, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे, वो ही हमें इसमें लेकर जाएंगे। तो सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की बात करी है, आप देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना फोकस करा है उन्होंने। ये सारी चीज़ें जो हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत जल्दी भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में ज़रूर मदद करेगा। ठीक है, अब कांग्रेस के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब्बास हफीज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ राकेश गोयल जी तो स्टूडियो में है ही। राकेश जी, गुलरेश शेख जी भी इंतजार कर रहे हैं, आऊंगे गुलरेश शेख जी, क्योंकि आज पहले सबका रिएक्शन ले लेती हूँ फिर मैं आपके पास आती हूँ। राकेश गोयल जी, आपने क्या देखा इस बजट को, किस पर फोकस रहा और क्या सही दिशा में फोकस रहा? देखिए मुझे लगता है बजट बिल्कुल परफेक्ट रहा है और सबको ध्यान में रख के बजट बनाया गया है, जिसमें जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि हमने गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और काफ़ी इस तरीके की उन्होंने बातें करी है, जिनको ध्यान में रखकर इस बजट को एलोकेशन किया गया है और हर क्षेत्र को, हर को कुछ ना कुछ लाभ देने की कोशिश की है। चाहे वो किसानों को देखें, चाहे महिलाओं को देखें, जिस तरीके से महिलाओं के लिए 20 लाख महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11,000 करोड़ रुपये जो डालेंगे जो उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है शायद पर्यावरण को भी और पर्यटन को भी और देश की समृद्धि, विकास, उद्योगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। और जिस तरीके उद्योगों को भी उन्होंने आज बिजनेस, जो व्यापारी क्लास था जो हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को निराश महसूस करता था, उनको भी कुछ राहत दी है, जैसे कि एंजल टैक्स उन्होंने ख़त्म किया, उसके अलावा TDS पे जैसे नहीं टाइम से जमा करने पे जो जिस तरीके से केस बना दिए जाते थे उसको थोड़ा सा उन्होंने बंद किया, ख़त्म किया। और जी तो मुझे लगता है कि शायद ये सब को एक समग्र जो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला बजट है और इसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो आपने कहा कि ग्रीन एनर्जी की भी पहले बात की जा रही थी और उस पर फोकस भी रखा गया है। अब मैं आ रही हूँ आपके पास अब्बास, कांग्रेस ने तो पहले ही प्रदर्शन कर दिया भोपाल में, झुंझुना पकड़ा दिया, ये आप लोगों का हमला भी रहा सरकार के ऊपर, फिर भी बता दीजिए कि क्यों आपको ये बजट पसंद नहीं आया? सबसे पहली बात अगर की जाए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, तो इतना कॉम्प्रोमाइज पहली बार शायद किसी सरकार को करना पड़ा है कि उनको अपनी सरकार बचाने के लिए अपने गठबंधन के जो उनके घटक दल हैं उनकी सुननी पड़ी है और खुद जो राज्य में बहुमत उनके पास है उसको इग्नोर करना पड़ा है। सारी चीज़ें बिहार और आंध्रा के पास हैं इस बार प्राथमिकता से। अगर फंड्स की बात करें, मध्य प्रदेश ने, अगर मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश की बात करूँगा, मध्य प्रदेश ने प्रदर्शन की भी आपने बात करी, क्या गलती करी थी? क्या 29 में से 29 सीटें यहाँ मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देकर बड़ा पाप कर दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को फॉर ग्रांटेड लेगी? क्या मध्य प्रदेश के लिए प्राथमिकता पर कुछ भी नहीं है? आप रोज़गार की बातें कर रहे हैं एक तरफ, और मध्य प्रदेश में बेरोज़गार इतनी बड़ी संख्या में होते जा रहे हैं, लेकिन रिक्त पद इस देश में केंद्रीय सरकार के अधीन आने वाले जो खाली रिक्त पद हैं वो 1 करोड़ के आसपास हैं,
अगर ईमानदारी से ये बात करते तो ये नहीं कहते कि हमारी ये स्कीम, ये योजना 2 करोड़ से 3 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। आप पहले फैसला देते कि हम ये रिक्त पद भरेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वादा किया है, हमारे मैनिफेस्टो के इन्होंने भले ही नकल की हो, हमारे मैनिफेस्टो की पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम हमने लाने की बात कही थी उसको भले ही इन्होंने लाया। हम तो चाहते हैं और लाइए, और लेके आइए, हमारे जो आपको अच्छे लगे हैं और आपको लगता है कि वो देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देंगे उनको लेकर आइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन नीयत साफ कीजिए। देखिए, 2 चीज़ों से बनता है बजट, एक नीति होती है, एक नीयत होती है। ना नीति इनकी पास कुछ है, ना नीयत इनकी साफ है। अगर सरकारें बचाने के लिए बजट बनाए जाने लगेंगे तो फिर क्या उसका मकसद रह जाएगा, क्या उद्देश्य रह जाएगा और उससे किसको फायदा होगा? सबसे पहली और आखिरी बात भी मैं कहूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा कि मध्य प्रदेश ने क्या पाप किया था। गुलरेज जी ये बताइएगा कि मध्य प्रदेश की जगह पे जिन्होंने आपको सीट्स नहीं दी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 95% सीट्स, शायद 87-88 होंगी टोटल सीट्स मिला के, मतलब 84 सीट्स आपको मिली हैं, उसके बावजूद भी इन तीनों राज्यों के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है गुलरेज शेख जी, अब्बास की ही बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या कैसी ये सियासी मजबूरी थी कि जो जिंदगी भर आपके प्रति वफादार रहे, आपकी सरकार उनको लेकर ही बेवफा हो गई, कुछ नहीं मिला उन्हें, ये कह रहे हैं अब्बास हफीज। अपर्णा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये सवाल सबसे पहले आया मेरे समक्ष, क्योंकि ये एक मिथ्या फैलाई जा रही है कि मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला। मध्य प्रदेश की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ी है, प्रदेश को पिछले बजट के मुकाबले 11,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में संचालित जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं उसके लिए केंद्र सरकार 44,000 करोड़ का अनुदान दे रही है। विशेष केंद्रीय सहायता के तौर पर 11,700 करोड़ रुपए का पैकेज ज्यादा मिल रहा है मध्य प्रदेश को, ये कोई नहीं दिखा रहा, मुझे इस बात का दुख है। मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और इसमें 5 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश की सीखो और कमाओ योजना के तर्ज पर ही जो नई योजना आई है इसमें रजिस्टर्ड करीब करीब 9 लाख बच्चों को इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। तो क्या ये बहुत कुछ नहीं मिला है? बहुत कुछ मिला है मध्य प्रदेश को, लेकिन पता नहीं क्यों पॉलिटिकल कारणों से इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। इसके अथवा जितनी भी योजनाएं हैं सब में मध्य प्रदेश का शेयर है, चाहे एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की हो, चाहे एमएसएमई को प्रोत्साहन करने की हो, चाहे मिडिल क्लास के लिए हो, चाहे 1.48 लाख करोड़ जो शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने रखा है, चाहे जो पहली नौकरी जिसकी लगेगी उसकी जो तनख्वाह होगी उतनी ही तनख्वाह गवर्नमेंट उसके अकाउंट में डालेगी वो भी मध्य प्रदेश के लिए है, चाहे ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन होना है उसको 2 साल तक वहन करेगी 3,000 रुपए तक प्रति माह तक केंद्र सरकार, वो भी मध्य प्रदेश के अकाउंट में आ रहा है। और जितनी भी चाहे किसानों के लिए योजना हो, चाहे वेजिटेबल क्लस्टर बनाना हो, चाहे रेलवे कॉरिडोर नए बनाने हो, मिनरल कॉरिडोर बनाने हो, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग है अपर्णा जो मिनरल कॉरिडोर से बनने वाला है, तो मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत कुछ दिया गया है, ये क्यों एक मिथ्या प्रचार का मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो क्यों गलत प्रचार कर रही है कांग्रेस अब्बास हफीज जी? मैं इतना पूछना चाहूंगा, इन्होंने दो बातें कही, उसी दो बातों में जवाब चाहता हूं। सुनिए गुलरेज जी, मेरा सवाल मुझसे, गुलरेज जी सवाल मुझसे, ये प्रमाण जो आप दे देंगे और आप क्यों आरोप, आप क्यों, अरे सुनिए तो, आप क्यों आरोप लगा रहे हैं कि आपके ये चीजें हैं जो बढ़ के मिल रही हैं वो कोई दिखा नहीं पा रहा है? आप सीधे मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, आपके पास प्रमाण हो आप दे दीजिए, दिखाना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप कह रहे हैं बढ़ के मिलने लगा, अरे हेल्थ का बजट काट दिया, सुनिए तो आप मेरी बात, हेल्थ का बजट काट दिया आपने, आपने उसके बाद कृषि का बजट काट दिया, आपने उसके बाद शिक्षा का बजट काट दिया। अरे बाबा आप खुद बताओ मुझे कि रक्षा का बजट आपका पिछली बार 9.60% था, अब 9.43% है, कृषि का बजट आपका 3.20% था। अरे सुनिए ना मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आपने पूरा समय लिया है, आप उन्हें भी कहने दीजिए अपनी बात, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी, पहले उन्हें अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। अब स्वास्थ्य की अगर बात करें तो 1.97% पिछली बार था और इस बार 1.85% हो गया है, मैं तो पूरी सूची दे सकता हूँ। इन्होंने बात करी सीखो कमाओ योजना की, अरे गोलरेज जी अब तो भ्रमित करना बंद कीजिए आप, आपकी स्काई योजना जिसके बड़े बड़े होर्डिंग लगाए चुनाव से पहले कि हर एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, इंटर्नशिप मिलेगी, इस बार मध्य प्रदेश के बजट में उसका कोई एलोकेशन नहीं है,
मध्य प्रदेश के बजट में उसका कोई एलोकेशन नहीं है, आपने मध्य प्रदेश में उसको छोड़ दिया। आप तो सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सरकार चलाते हैं। इस देश का और मध्य प्रदेश का मध्यम वर्गीय व्यक्ति आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप कितनी ही बातें कर लीजिए, आप दोनों साथ साथ बोलेंगे तो बातें ओवरलैप होंगी और बातें नहीं सही ढंग से समझ आ पाएंगी। बड़ी हास्यास्पद बात है आकांक्षा जी, कि कृषि पे यहाँ मध्य प्रदेश ने बढ़ के बजट मिल गया और कृषि पे वहां पर केंद्रीय बजट में कटौती हो गई। संभव है अभी भ्रमित कर रहा है मैं लोगों को। रेगुलर जो सेफ जॉब जोन होते हैं जिसमें बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इतनी बातें मत कीजिए यहाँ बैठ के। मनमोहन सिंह के कंपैरिजन में 260% से ज्यादा ईपीएफओ का इजाफा हुआ है और कृषि पे कटौती हुई है तो मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ोतरी हो जाएगी? किस दिशा में आपने टैक्स में कोई छूट नहीं दी? आज की तारीख में मध्यम वर्गीय परिवार जो महंगाई की मार झेल रहा है, सीखो कमाल योजना पे झूठ बोल रहा हूँ आप। मध्य प्रदेश में आपने बजट एलोकेट नहीं किया उसको और आप केंद्र सरकार की योजना की तारीफें करने लगे। बेनिफिट मिले आप क्यों रोकना चाहते हो उन चीजों को? का बजट काट दिया आपको, तो रक्षा का बजट काट दिया। लोकसभा विधानसभा में सवाल है, जवाब देने का अगर दम हो तो दीजिएगा। आपने रिक्त पदों को भरने की बात क्यों नहीं कही अगर आपकी नीयत साफ थी तो? इतनी बड़ी संख्या में रिक्त पद है आपके बजट में क्यों नहीं आता? प्रदेश की बात करें, लगातार नौकरियां निकल रही है अपर्णा, हम लोगों ने कितने शो किए हैं उसके ऊपर। जो रिक्त पद है उनको भरने की बात कब करेंगे? हम तो लगातार दे रहे, क्या बात कर रहे हो आप? आप गिनवा रहे हैं कि क्या क्या दिया गया है और वो कांग्रेस उसको बिल्कुल इग्नोर करते हुए जहां जहां नहीं दिया गया है उस पॉइंट्स को रेस कर रही है। मेरे को लगता है बैलेंस कैसे बनाएंगे? सरुजा जी आप ही समझा दीजिए कि ये जो बैलेंस बनाया जाता है इकोनॉमी को देखते हुए, क्योंकि आप तो अर्थशास्त्री हैं, जानकार हैं, आप बताइए किस तरह से बैलेंस बनाया जाए। कुछ सेक्टर क्या छूट जाते हैं या उनको बैकबेंच लाया जाता ताकि जो फ्रंट पर काम हो सके बाकी सेक्टर्स में? देखिए यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि सरकार के अपने जो वित्तीय संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। सरकार यहाँ पर लिमिट से ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकती, ना हम नए नोट छाप कर अपने बजट्स को फाइनेंस कर सकते हैं। ये चीज़ें अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म में तकलीफ देती हैं, इसलिए सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों का ध्यान रखते हुए बजट को बनाना पड़ता है। जहाँ आपने बैलेंस बनाने की बात करी है, वहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि हर सरकार की अपनी एक दिशा और एक पॉलिसी होती है। क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट कर रहे हैं, मीडियम टर्म के लिए कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं? अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो तुरंत में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने, सप्लाई साइड ग्रोथ करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स लाना, जो अब्बास हफीज कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन कह रहे थे कि हेल्थ सेक्टर में पैसा कम किया गया, जरा आप उसे क्लेरिफाई कर पाए तो? देखिए एक्चुअली वो जो बात कर रहे हैं वो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नॉमिनल टर्म्स में देखें तो नॉमिनल टर्म्स में हमेशा एलोकेशन हर बजट में पिछले बजट की तुलना में ज़्यादा ही रहता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। और जब हम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वहाँ पर वो बैलेंसिंग की जाती है कि किस सेक्टर की किस समय में ज़्यादा ज़रूरत है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में उसका हिस्सा उस हिसाब से बढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ मैं अब आपके पास आऊंगी जोशी जी की, जिस तरह से सैलरी स्लैब की हम बात कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम, लेकिन खास अंतर तो नहीं दिख पाया क्योंकि जो एक सैलरी क्लास सबसे ज्यादा सफर वो करता है क्योंकि वो हर मोर्चे पर आकर टैक्स ही पे कर रहा होता है। जी अपर्णा बिल्कुल, जो सैलरी क्लास की अपेक्षाएं थी बजट से 5 लाख तक की जो ATC की रिबेट है उसको 2 लाख तक किया जाए, 10 लाख तक की इनकम पे भी टैक्स का रेट कम किया जाए, तो सभी अपेक्षाएं सरकार ने शामिल नहीं करी हैं बजट में। जी जी। थोड़ी सी राहत दी है नए टैक्स रिजीम में, लेकिन अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न भर रहा है तो उसको कोई राहत नहीं है। और अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, आऊंगे आपके पास। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फाइनेंशियल एसेट्स पे, दोनों पे सरकार ने टैक्स के रेट को बढ़ाया है। तो बाजार की जो अपेक्षा थी
कि शेयर मार्केट की जो अपेक्षा थी कि भाई इस पे टैक्स का रेट कम किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई है बाजार की। जी जी, अब बस आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं, सवाल है कि एक तरफ आप करना चाहते हैं इसको आसान सरल बनाना चाहते हैं टैक्सेशन के सिस्टम को, कई सारी जगहों से ये मांग उठी कि आप एक टैक्स सिस्टम लेकर आइए ना, ओल्ड टैक्स सिस्टम न्यू टैक्स सिस्टम, किसी को फायदा हो रहा है? आज हमारे बीच सीए बैठने कह रहे हैं उसके अंदर बहुत फायदा नए टैक्स सिस्टम में नहीं होगा या ओल्ड सिस्टम में नहीं होगा, एक टैक्स सिस्टम जो बेस्ट हो पूरे देश के लिए आप लेकर आइए। आप क्यों इस तरह की चीजें ला रहे हो जिससे कि एक तरह कंफ्यूजन पैदा होता है? एक जब एक वर्ग को साधने लुभाने के लिए बजट बनाया जाएगा, वो भी क्रोनिक कैपिटलिज्म के चलते, तो फिर यही सब होगा। आम नागरिक पिस रहा है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति पिस रहा है, उसके लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। गुलरेज जी, नहीं आप ही बताइए कि अगर स्टॉक मार्केट्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स लगता है तो क्या वो आम आदमी के लिए लग रहा है? यदि इंडस्ट्री के ऊपर कुछ टैक्स आता है तो और कॉर्पोरेट पे आता है तो क्या आम आदमी के लिए आ रहा है? आपने देखा होगा कि आज कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट था वो इतना खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि जो इंडस्ट्री को विशेष का जो कॉर्पोरेट को इच्छा थी उस प्रकार का बजट नहीं आया। ये बजट पूरी तरह से कैपिटलिज्म की बात की है, मैंने कैपिटलिज्म की बात नहीं की है। देखिए ना कि अगर डेट टू जीडीपी रेशो सरकार कम कर रही है और सारे क्षेत्रों में, आप तो ये सब छोड़िए, मुझे तो आप इतना बता दीजिए, मैं पहले मिनट से यही पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी नियत साफ थी बेरोजगारों को संख्या कम करने में तो रिक्त पदों को भरने की आप बात कब करोगे? 1 करोड़ रिक्त पद है, 1 करोड़ रिक्त पद वो था 23 दिसंबर 9% और टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है कि उसे समझा पाना और बात कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज एक और चीज भी आई थी, फाइनल कमेंट आपको चाहिए उस पर, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की गई, कस्टम ड्यूटी कम की गई है, गोल्ड के प्राइस में 4,000 की गिरावट भी देखी गई उसके बाद। देखिए अपर्णा जी, ड्यूटी कम की गई, इससे इसका लाभ एक आम आदमी को भी मिलेगा। जिस तरीके हम देख रहे हैं गोल्ड का रेट बढ़ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर का रेट बढ़ता है, तो उससे क्या एक आम आदमी जो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, शादी ब्याह के लिए कोई गहना जेवर बनाना चाहता है, उसके लिए वो दुर्लभ हो रखा था, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहत मिली है। जो मिडिल क्लास फैमिली चाहती है कि वो भी अपनी शादियों में अच्छा गोल्ड इस तरीके का दे सके या अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके की जगह पर लगा सके जो सेफ हो, जो ज़्यादा फ्लैक्चुएट ना करे, जो एक ग्रोथ वाली इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, और गोल्ड शुरू से भारत के लोग एक पसंदीदा चीज़ रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और पहले वो रेट 15% बहुत ज़्यादा था, अगर उसको 9% कम किया है तो एक मुझे लगता है बहुत अच्छा है। 10-6 हुआ है जो, जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। तो सरकार की कह रही है कि हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही लाया गया है ये बजट, लेकिन विपक्ष कांग्रेस कह रही है कि वो खुश नहीं है कि झुंझुना पकड़ाने वाला ये बजट है, और राहुल गांधी ने कह दिया है कि ये तो कुर्सी